हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग जरूर लिखिएगा कमेंट में। मैंने जो है बहुत सारे वीडियोस बनाए थे पहले, और वो सारे वीडियो जो है सो गलती से मेरे से डिलीट हो गया जब मैं ट्रांसफ़र कर रहा था लैपटॉप में। बट इट्स ओके, मैं आप लोगों को फिर से एक ओवरव्यू बता देता हूँ। तो बेसिकली जो है मैंने वीडियो बनाया था कि मैं आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ जो है सो शेयर करने वाला था कि मुझे ऑन कैंपस जॉब मिल गया। और मैंने बहुत प्रयास किया था ऑन कैंपस जॉब के लिए, और काफ़ी हाथ पैर मारने के बाद जो है एक जॉब मुझे मिल गया, और वो है TA का जॉब। तो इसे टीचिंग असिस्टेंट कहते हैं। तो उस कारण से जो है मैंने SSN का भी वीडियो बनाया था, जिसके लिए रिक्वायरमेंट होता है आपको ऑफर लेटर का, और I-94 लेके आपको SSN ऑफिस जाना पड़ता है पासपोर्ट के साथ। तो उसके बाद वो वाला वीडियो मैंने कवर किया था, लेकिन वो भी वीडियो जो है सो गलती से डिलीट हो चुका है। तो अगर आपको SSN बनाना हो तो मुझे आप कमेंट में लिख दें, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसका प्रोसेस है। बट अभी के लिए ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इस वीडियो को। और उसके बाद जो है मैंने स्टेट ID का भी बनाया था वीडियो, वो भी डिलीट हो गया। तो उसके लिए भी अगर आपको चाहिए वीडियो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें। तो दोस्तों, बेसिकली जो है US आने के बाद हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले जो है मुझे ऑन कैंपस जॉब मिला, उसके बाद फिर जो है मैंने SSN के लिए अप्लाई किया, फिर स्टेट ID, ड्राइवर्स लाइसेंस, ये सब चीज़ें के लिए मैंने अप्लाई किया। और ड्राइवर्स लाइसेंस का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो में जाके। और उसके बाद जो है धीरे धीरे यहाँ पे जब ठंड बढ़ती है तो ज़रूरतों के हिसाब से आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो लेनी पड़ती है। जैसे कि मैंने स्कूटर लिया था, इलेक्ट्रिक स्कूटर, क्योंकि गर्मी में जो है वो आपको बहुत काम आता है। कहीं आपको शॉर्ट डिस्टेंस जाना है, लगभग 6-7 माइल के आसपास, तो अप एंड डाउन आप कर सकते हैं 12-15 माइल के आसपास। उससे आपका टाइम भी सेव होता है, क्योंकि बस के लिए यहाँ पे वेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। और मैंने एक वीडियो बनाया था अभी, चलिए गर्मी में तो ठीक है, लेकिन ठंड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, और उस समय में अगर आपको बस नहीं मिलती है तो बहुत ही दिक्कत होता है। मैंने एक पिछले ब्लॉग में दिखाया था जब बहुत ज़्यादा -28 के आसपास जो है टेम्परेचर हो चुका था, -28°C, और उस समय मेरे हाथों का हाल जो है बहुत बुरा हो चुका था। तो बाद में मैं ट्रेन में बैठ के फिर वापस घर आया था, क्योंकि बस जो है सो लगभग 1 आवर वेट करवाने के बाद भी नहीं आया था। तो इस सब को देखते हुए मैंने बहुत दिन से प्लान किया था कि एक गाड़ी जो है सो लिया जाए। तो इसीलिए फाइनली जो है मैंने डिसाइड किया है कि अभी मैं जाऊंगा और एक गाड़ी लूँगा। तो बेसिकली जो है मुझे जॉब जो है अगस्त में लगी थी, और उस समय से मैंने थोड़ी सी सेविंग की थी, और बाकी जो है कुछ हेल्प मैंने पापा से भी ले लिया। तो अभी जो है एक पहचान के अंकल है जिन्होंने मुझे बोला है कि वो गाड़ी देंगे, और उनकी गाड़ी जो है मैंने ऑलरेडी जो ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए जो रोड टेस्ट देने गया था मैं, उसमें वही गाड़ी लेके गया था। तो गाड़ी मैंने देख चुका है, और उसके बाद जो है अब हम सोच रहे हैं कि वही गाड़ी ले लिया जाए। तो अभी जो है मैं और नवील जाऊँगा उस गाड़ी को लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं गाड़ी लेने के लिए। तो आज जो है मुझे मिल गया है पहला सैलरी, तो ये देख सकते हैं चेक आया है, क्योंकि अकाउंट में जो है सो शायद वो ऐड नहीं था, तो इसीलिए जो है सो ये चेक मिला है मुझे आज। तो इसको रख देंगे सबसे पहले भगवान के पास, और काफ़ी खुशी मिल रहा है कि पहला बार कुछ पैसा आया है। तो चलिए इसको रख देते हैं भगवान के पास, और उसके बाद करते हैं अगला काम। और यह देख सकते हैं नवील काफ़ी एक्साइटेड है। तो फाइनली हम लोगों ने ये गाड़ी खरीद लिया है, अभी तो चला रहे हैं, थोड़ा देर के बाद आप लोगों को आउटर लुक दिखाते हैं इसका, और एक्साइटमेंट देखिए इसका वायु जाने का। तो ठीक है, बाहर निकलते हैं और उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को इसका लुक। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं, यहाँ पे खुद से पेट्रोल डालना होता है। तो ये देखिए नवील काफ़ी ध्यान से पेट्रोल डाल रहा है। तो इधर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बैक कैमरा से। तो ये देखिए यहाँ पे कार्ड डाल दिया मैंने, और यहाँ पे इसको खुद से ही इंसर्ट करना है। बिगिन फ्यूलिंग करिएगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्या फुल करना है। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे जो है शुरू हो चुका है फिल होना। तो यही है प्रोसेस, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कौन सा आपको डलवाना है पेट्रोल। तो ये सुप्रीम क्वालिटी, एक्स्ट्रा और रेगुलर, तो अभी फिलहाल रेगुलर ही डलवाएंगे। इसको देखिए पेट्रोल डाल के कितना खुश है। तो चलिए फिर ख़त्म करते हैं, यहाँ से डाल के चलेंगे पटेल ब्रदर्स। तो ये देखिए, ये जो है अपना गाड़ी है होंडा सिविक, तो देख सकते हैं ये।
तो ये है अपना गाड़ी। आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा लगा आप लोगों को। तो आ चुके हैं पटेल ब्रदर्स, देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे सब्जी हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्ट्रॉबेरी वगैरह है, भिंडी देख सकते हैं यहाँ पे $3 का पर एलडी। चलिए जल्दी जल्दी शॉपिंग करके निपटाते हैं ताकि जो है घर जा सकें जल्दी। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे चावल वगैरह का भी पूरा स्टॉक है, और इधर में आपका ये साबुन वगैरह है, मैसूर सैंडल सॉप सोप। इधर में देख सकते हैं हेयर कलरिंग, तो हर जगह पे इसका जो भी सेक्शन है वो सब का नाम लिखा हुआ है। तो बहुत वैरायटी है यहाँ पे चावल का, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारी गाड़ी, और इसका करेंगे हम लोग पूजा। यहाँ पे हमारे पास कुमकुम है, अक्षत है, तो थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए थरथरा रहे हैं, लेकिन ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से हम लोग स्वस्तिक बन गया, और अब जो है माचिस से जलाएंगे इसको। ये हमारा दिया जल चुका है, और हम लोग ये मनाएंगे कि विश्वकर्मा भगवान हमारा हमेशा रक्षा करें। तो ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से राइट पे थोड़ा सा, और मिलते हैं आगे जाके। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं ट्रिप पे, और शॉर्ट ट्रिप है तो रात का नज़ारा देख सकते हैं आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है ये। तो रात में पिक्चर अच्छा नहीं आएगा, तो इसीलिए चलो बाय। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी जो है ये बाल ठीक कर रहा है तो जाना है अभी हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने, तो कर रहे हैं बंगाली का इंतज़ार, और उसके बाद जाएंगे रजिस्ट्रेशन करवाने। तो उसके लिए कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स है, तो अभी तो फिलहाल हम लोगों के पास एक ही डॉक्यूमेंट है, ये क्या है सेल वाला कुछ, हाँ असाइनमेंट ऑफ टाइटल करके है इसका नाम, तो ये एक, और अपना आईडी का एक, कोई भी आईडी आप ले सकते हैं। तो यही सब है, आगे जाके देखते हैं वहाँ पे DMV पे कि क्या क्या चीज़ का ज़रूरत है। वैसे तो वेस्टर्न यूनियन में भी होता है, लेकिन पता नहीं उसका शायद काम ज़्यादा है या फिर एग्जैक्टली पता नहीं हम लोगों को, इसीलिए हम लोग सोचे DMV जाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं DMV और देखते हैं वहाँ पे क्या है प्रोसेस। तो ये देखिए ये बैठ चुका है पीछे, जिसका हम लोग कर रहे थे इंतज़ार क्या बोलना चाहेगा कुछ ना, मैं भी देखते हैं ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। चलिए तो आप लोग भी बाहर का व्यू ले लीजिए एक बार। तो ये देख सकते हैं बारिश भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट है, और ये आ चुका है अपना DMV। तो दोस्तों हो चुका है हम लोग का सारा काम, प्रोसेस जो भी था, और ये देखिए यहाँ पे हम लोग का नंबर प्लेट मिल चुका है। तो प्रोसेस जो है काफ़ी फास्ट था, मतलब मुश्किल से हम लोग को 20-25 मिनट में काम हो गया। तो ये एक चीज़ अच्छा लगा यहाँ पे, आपको एक टाइटल ट्रांसफ़र का फॉर्म होता है वो भरना होता है, और एक अंदर घुसते ही आपको एक टैक्स फॉर्म देगा, उसको फिल करिए, और जो चार्जेस वगैरह हैं वो आपको लग जाएंगे, और बस उसके बाद आपको पैसा देना है। हाँ, जब भी आइएगा कैश लेके आइएगा, क्योंकि वरना आपको कार्ड से पेमेंट करने पे बहुत सारा टैक्स भरना पड़ेगा, लॉस है काफ़ी। बट ठीक है, अभी लेके नहीं आए थे तो कहाँ घूमते, इसीलिए जो भी था हो गया ख़त्म। काम बहुत फास्ट था, अपना एक आईडी लेके ज़रूर आइएगा, खैर आप आ रहे हैं तो लाइसेंस तो आपका होगा ही, लेकिन हाँ TVDL है तो आपको पासपोर्ट साथ में लाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं यहाँ से घर, यही था प्रोसेस, और मिलते हैं घर पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग उसका नंबर चेंज करेंगे, और यहाँ पर अपना नंबर डालेंगे, और ये जो स्टिकर है ये इंपॉर्टेंट होता है, स्टिकर डालना होता है यहाँ पर। और चलिए अब खुलते फटाफट और चेंज करते हैं। तो अभी जो है गाड़ी मैं लेके आ चुका हूँ, और गाड़ी
लेके आने से पहले ही जो है मैं पूरा दिन इन्वॉल्व था उसके इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं तो आपको पहले इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है यहाँ पे, और आप अगर पहला बार गाड़ी ले रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। मैं पूरा दिन उसमें खपा दिया, क्योंकि क्या हुआ कि जब भी आप नए ड्राइवर हैं और आप अप्लाई करते हैं इंश्योरेंस के लिए, तो आपको कोई भी कंपनी इंश्योरेंस जल्दी देती नहीं है, बड़ी कंपनी। तो मैंने जो है एक प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस करके था, उसमें अचानक से पता नहीं कैसे अप्लाई किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे अच्छी सी डील दे दी और मैंने 6 मंथ का वो प्लान ले लिया। तो बेसिकली यही है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंश्योरेंस में पापड़ बेलना पड़ता है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि जो गाड़ी का कॉस्ट है वो आपको डिपेंड करता है कैसा गाड़ी आप लेते हैं यहाँ पे, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट आईडी आप समझ लीजिए कि 4,000 से लेके 5,000 या 6,000 तक में आपको एक सेकेंड हैंड गाड़ी मिल जाएगी, और ये भी जो है सेकेंड हैंड गाड़ी ही है जो मैं लेके आया हूँ। तो यही है बेसिक आइडिया, और आप लोग जो है सो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए इस रिगार्डिंग तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया आप लोगों को कि जो इंश्योरेंस का प्राइस होता है वो अराउंड आपको डिपेंड करता है, अगर आप न्यू हैं तो आपको 600 से 700 के आसपास आपको लग जाता है। और दो तरह का इंश्योरेंस होता है, एक होता है थर्ड पार्टी और एक होता है फुल इंश्योरेंस। तो उसमें जो फुल इंश्योरेंस होता है वो आपको लगभग डबल के आसपास पड़ जाता है, और जो आपका थर्ड पार्टी होता है वो आपको थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। तो मान लीजिए कि 70-80 रुपये आपको पड़ जाएंगे अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो, बाकी आप जितना ओल्ड होते जाते हैं उतना आपका दाम कम होते जाता है। और जो गाड़ी का प्राइस है मान लीजिए 4,000 है, उसके बाद आपको फिर ट्रांसफ़र चार्जेज लगता है, जो नंबर प्लेट मिलती है उसका चार्जेज लगता है। तो बेसिकली आपको कुल मिला के डिपेंड करता है, अगर आप 2012 से बाद का मॉडल है तो आपको कुछ 200-300 इस तरह से उसका प्राइस लिस्ट है, जो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। और यही है बेसिक चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी आप बजट बनाए गाड़ी का, तो जो प्राइस रहता है उससे आप आगे ही आपको लगेगा, क्योंकि जो इंश्योरेंस है और प्लस ट्रांसफ़र चार्जेज, ये दोनों तो मैंडेटरी है जो आप करवाना ही पड़ेगा। तो जब भी आप खरीदें तो ये बजट को ज़रूर सोच के चलें। तो दोस्तों आज जो है गाड़ी लाने का मकसद ये था कि आज जो है नवरात्रि का पहला दिन है और माता रानी का जो दिन है वो स्टार्ट हुआ है, तो आज से अच्छा दिन तो कुछ हो नहीं सकता था कि मैं गाड़ी लेके आऊं। तो इसीलिए मैंने आज का दिन जो है फाइनल किया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि माता रानी जो है सो मेरा और गाड़ी का जो है सो रक्षा करेगी। और इसी उम्मीद के साथ जो है आगे बढ़ते हैं, और मेरे तरफ से आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी जो है स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप लोग खुश रहें, आप लोगों का मनोकामना पूरा हो। और इसी के साथ जो है सो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और आप लोग जो है मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और नेक्स्ट वीडियो जो है इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।